जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आज फिर से आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस सीखने की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो आप साथ में बोर्ड लगे देख रहे हो, इस बोर्ड पर मैंने कुछ ग्रह लिखे हुए हैं। आज बात करते हैं इस टॉपिक में दिशा बल की। प्रिय दर्शकों, ये दिशा बल जो है, ये ग्रहों का जानना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ग्रह कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट दे सकता है, ये हमें इससे पता चलता है। हर बंदा ये समझाने की कोशिश तो करता है कि गोचर आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट देने वाला है। कोई ये समझाने की कोशिश नहीं करता कि ग्रह कैसे पढ़े जाते हैं। कोई ज्ञान देने की कोशिश क्यों नहीं करता, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। आप ज्योतिष की विद्या को अगर बांटना शुरू करते हो तो वो विद्या न केवल आपके अच्छे के लिए है, बल्कि सारे समाज के लिए अच्छे के लिए है। अपने आसपास का अच्छा आप खुद कर सकते हो। आपकी सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करता हूँ ग्रहों के दिशा बल की। आप ये बोर्ड पर लगी हुई कुंडली एक देख रहे हैं। इस तरीके से आप दो ऊपर ग्रह लिखिए, जुपिटर और मरकरी। जुपिटर यानी बृहस्पति, मरकरी यानी बुध। इस तरफ दो ग्रह लिखे हुए हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य यानी सन, मंगल यानी मार्स। नीचे लिखे गए हैं एसेटी। एसेटी मतलब सैटर्न यानी शनिदेव। यहां लिखा गया है मून एंड वीनस। मून मतलब चंद्रमा, वीनस मतलब शुक्र। तो दर्शकों, आज का ये टॉपिक है दिशा बल का। ये ईस्ट है कुंडली का, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इसी तरीके से इसका विभाजन किया गया है। ईस्ट से सूर्य उदय होता है, साउथ की तरफ से घूम करके वो वेस्ट में छिप जाता है। इसको विद्वानों ने बहुत अच्छा कैलकुलेट करके इस कुंडली के मुताबिक यहां लिखा गया। सबसे पहले घर में ये मत सोचिए कि आपकी कुंडली किस नंबर की है। ये मत सोचिए कि आपकी कुंडली में पहला घर कहां है या दूसरा घर कहां है। वो सारी चीजें अभी छोड़ दीजिए। अभी आप उसको सीखने के कगार पे हैं, अभी आप उसको सीखने के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले घर में जुपिटर और मरकरी, कोई भी नंबर लिखा हो, कहीं भी हो, क्या डिजिट लिखा है, कौन सी यहां राशि है, इस सारी चीजों को सोचना छोड़ दीजिए। अपनी कुंडली उठाइए। अगर आपके पहले घर में बृहस्पति है या बुध पड़ा है, तो इन दोनों को इस पहले घर में दिशा बल मिलता है। दिशा बल क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रहों की जो कैलकुलेशन होती है वो सारी बल पे बेस्ड होती है कि किस ग्रह को कितना बल मिला है। वो अपने बल के अकॉर्डिंगली ही अच्छे या बुरे का रिजल्ट देता है। अगर बुरे ग्रह को बल मिलता है तो उसकी बुराई बढ़ जाती है। अगर अच्छे ग्रह को रिजल्ट बल मिलता है तो उसकी अच्छाई के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। सबसे पहले कुंडली में मैं बृहस्पति की बात करूंगा। हमने पिछले एपिसोड्स में ये डिस्कस किया था कि बृहस्पति जो है वो ज्ञान का देवता है, वो ज्ञान का ग्रह है। और ज्ञान कहाँ होता है? हमारे सबसे ऊपर, सर के ऊपर, जहाँ हमारी बुद्धि होती है। तो बुद्धि में ही ज्ञान आता है, इसलिए इनको पहले ही घर में दोनों को दिशा बल मिलता है। बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुद्धि ठीक है तो ही उसमें ज्ञान आ सकता है। अगर ज्ञान होगा तो हम बुद्धि को और आगे अर्जित कर सकते हैं। तो बुद्धि और ज्ञान, इन दोनों चीजों को पहले घर में दिशा बल मिलता है, जिसको इंग्लिश में हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। दूसरी बात दर्शकों, ये साउथ दिशा है यानी दक्षिण दिशा। साउथ दिशा में सूर्यदेव और साथ में मंगल, सूर्य यानी सन, मंगल यानी मार्स। इन दोनों को साउथ दिशा में दिशा बल मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि साउथ दिशा को वैसे भी यम की दिशा कहा जाता है। हमारी पूरी पृथ्वी पर
जितनी एनर्जी हमें मिलती है वो सारी साउथ दिशा से मिलती है। सूरज ईस्ट से उदय होता है, पूरा साउथ घूमकर वो वेस्ट में छिप जाता है। तो साउथ दिशा में सूरज को एक बल मिल जाता है, क्योंकि यही दिशा सूरज की पूर्ण अपनी दिशा मानी जाती है। साथ में मंगल को यहां दिशा बल मिलता है। मंगल को दिशा बल मिलने का कारण यह है कि सूर्य की किरणों से हमारी बॉडी में रक्त का संचार होता है। जैसे जैसे रक्त का संचार होता है, वैसे ही इंसान की लाइफ में कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। यह दिशा बल, यहां कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी डिजिट लिखा हो, कोई भी राशि लिखी हो, वो छोड़ दीजिए सोचना। अगर आपकी कुंडली में इस घर में सूर्य या मंगल पड़ा है तो इसको यहां दिशा बल मिल गया। सूर्य हमारी पृथ्वी में एक ही एनर्जी का सोर्स है जिससे हमारी पूरी पृथ्वी की जीवात्मा चलती है। मंगल हर एक की बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक की बॉडी मंगल कंट्रोलिंग पावर में लेके आता है। हम आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे कि कहां मंगलिक दोष है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मंगलिक दोष होता है कि योग होता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि दसवें घर में सूर्य देवता और मंगल देवता को दिशा बल मिलता है, क्योंकि दक्षिण देवता सूर्य की अपनी दिशा मानी जाती है और सबसे ज्यादा एनर्जी सारा दिन में मंगल देव को इसी दिशा से मिलती है, जो मंगल हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। दर्शकों, बात करता हूं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ शनि देव की। शनि देव को वेस्ट दिशा मिली है। वेस्ट दिशा क्यों? क्योंकि जहां सूर्य देव आके छुप जाएं और अंधेरा उस दिशा से उदय हो जाए तो वो शनि देव की दिशा मानी जाती है। शनि देव की दिशा की एक और इंपॉर्टेंस ये मानी जाती है, अंधेरा मींस खत्म होना, अंधेरा मींस डिक्रीज होना, अंधेरा मींस प्रॉब्लम्स का शुरू होना। अगर आप डीपली साइंस को रिसर्च करोगे तो हम लोग सारे दिन में काम करते हैं, रात को हम आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव हमें दिन में एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी से हमारी बॉडी का संचार होता है, उससे हम कर्म करने के काबिल बनते हैं। अगर हम वेस्ट दिशा की बात करें, जब ही सूर्यदेव उदय हो गए तो हमारा सोने का समय हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव उस वक्त हमें एनर्जी नहीं दे रहे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये शनिदेव बनते हैं, क्योंकि उस दिशा से शनिदेव उदय होते हैं। जहां अंधेरा अस्त होता है, शनिदेव वहां से उदय होते हैं। तो वेस्ट दिशा में सूर्यदेव को शनिदेव को इस दिशा में एक बल मिल जाता है। तो यहां वेस्ट की दिशा है, शनिदेव को इस दिशा में बल मिलने की वजह से यह वेस्ट दिशा गिनी जाती है। कुंडली का यह चौथा घर माना जाता है। मून यानी चंद्रमा, वीनस यानी शुक्रदेव। अगर चौथे घर की इंपॉर्टेंस को देखें तो मून माता का कारक है, मन का कारक है, और मन हमारा बहुत कुछ चाहता है। साथ में शुक्र जुड़ा हुआ है जो दुनिया में पूर्णतः भोग योग वस्तुओं का कारक माना जाता है। हर भोगयोग वस्तु शुक्रदेव के अंडर आती है और वही फिर मन को शांत करती है। हम एक चीज के पीछे भागते हैं, मुझे जी मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, हम चीजों के पीछे भाग लेते हैं, उनके पीछे ही हमारे कर्म भाग लेते हैं। फिर जब वो चीज हमें मिल जाती है तब मन की सेटिस्फेक्शन होती है। ये नॉर्थ दिशा बोली जाती है, ये नॉर्थ दिशा के नाम से जानी जाती है। इसको कुबेर देव की दिशा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से धन आएगा तो ही आपका मन और जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। कुंडली में यहां क्या राशि लिखी है, क्या नहीं लिखी, यह सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपकी कुंडली में इस घर में चंद्रमा और शुक्र पड़ा है तो उनको दिशा बल मिल गया, उसको बोलते हैं चौथे घर में चंद्रमा और शुक्र को दिशा बल मिला। इस दिशा बल के आधार पे आप पूर्णतः कुंडली की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपका ग्रह अच्छा है तो उसको दिशा बल के अकॉर्डिंगली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका ग्रह बुरा है, या मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊं थोड़ा सा, मैं बात कहूं कि अगर कुंडली का मारक ग्रह है तो उसका मारकत्व बढ़ जाता है। उसका मारकत्व बढ़ने की वजह से वो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है। तो ईस्ट में बुद्धि और ज्ञान आ गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि और ज्ञान दोनों ही हमारे यहां होती है, सर के ऊपर मानी जाती है। सूर्य और मंगल हमारा दक्षिण दिशा में आ गया। यहां से सूर्य आता है, पूरी किरणें देता है और मंगल उससे संचालित होता है, जो हर एक बंदे की फिजिकल बॉडी है। यहां शनिदेव आ गए,
जो कि हर प्रॉब्लम का रीजन बनते हैं, क्योंकि यहां सूर्य छिप जाता है, यहां अंधेरा उदय होता है। यहां बात करते हैं सुख सुविधाओं की और शुक्र देवता की। माता, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाएं सारी, और शुक्र देवता उन मन को तसल्ली देने के लिए, मन को सेटिस्फेक्शन करने के लिए होता है। हर प्लैनेट अगर दिशा बल में आके साथ में उसके डिग्री वाइज कैपेबिलिटी हो जाए तो वो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने के काबिल बन जाता है। हमारी कुंडली के अच्छे या बुरे ग्रहों का निर्णय करने से पहले हर इंसान को ये जानना बहुत जरूरी है कि कुंडली में किस ग्रह को हमारे दिशा बल मिला हुआ है। जिस ग्रह को दिशा बल मिलेगा वो सदैव अच्छा फल देगा। कुंडलियां देखते हैं दर्शकों, आप भी बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों का प्रोग्राम देखते होंगे। ये डिसाइड अब आपको करना है कि किसी को गोचर बता के डराना है या उसको ज्ञान देना है ताकि वो घर बैठा कुछ सीख सके। इन दोनों चीजों में फर्क है। ये कार्यक्रम मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर सोए हुए उस ज्योतिषी को जगाना चाहता हूं जो कुंडलियां लेके बेचारा दर 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 भटक रहा है। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आपको ज्ञान दे पाऊं। मैंने 14 साल इस विद्या को पढ़ने समझने में लगा दिए, आपको 14 महीने भी नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान सबका साझा है। ये ज्ञान पैसे का मोहताज नहीं है। जो फीस देगा हम उसको ज्ञान बांटेंगे, नहीं, जो फीस नहीं भी दे सकता वो भी अगर घर बैठ के कॉपी पेंसिल लेके कुंडली बना के ये नोट कर ले, 3 महीने में बहुत अच्छा ज्योतिषी जरूर बन जाएगा। सोचने वाली बात है। आज का एक जनरल टिप आपको बताता हूं, हर ग्रह को शांत करने के लिए, हर ग्रह को उपाय करके, पाठ पूजन करके, सिमरन करके, व्रत करके, आरती करके शांत किया जा सकता है। लेकिन एक रामबाण इलाज बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं, टिप ऑफ द डे। घर में कहीं भी क्लेश हो रहा हो, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, शराब पी के आते हो पति, मारपीट होती हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना रहती हो, घर में आपसी रिलेशन में मिठास ना हो, किसी की बनती ना हो आपस में, घर की गृहिणी या घर का पुत्र या घर का कोई भी सदस्य अगर एक मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दे रोज नियम से, जितना बार भी वो कर पाए, 20 बार, 50 बार, 51 बार या 108 की माला कर पाए और भी अच्छा है। घर में कहीं भी लड़ाई चल रही हो, चुपचाप आप एक मंत्र उच्चारण शुरू कर दीजिए। छोटा सा बताता हूँ, हनुमान जी का मंत्र है, उनको संकट मोचन कहा जाता है, उनको संकट मोचन की पदवी प्राप्त है, संकट हरने वाले हैं वो, आप सबको पता होगा इसके बारे में, ज्ञात होगा इसके बारे में। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब हे विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न हरने वाले हो, ऐसा कौन सा विघ्न है जो मुझ गरीब का आप हर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। ये मंत्र उच्चारण करके देखिएगा दर्शकों, अगर 10 मिनट या 5 मिनट घड़ी देख के उस क्लेश के वक्त में आप इस पर ध्यान लगा देते हैं या करना शुरू कर देते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद देखेंगे घर की स्थिति में, कला क्लेश में सारा कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाए। और लड़के लोग भूलना भी शुरू कर देंगे, अच्छा लड़े जी कोई बात नहीं, आ जाओ बैठ के चाय पीते हैं, ये स्थिति आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। इसके मुताबिक रेगुलर अगर आप इसका नियम बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली इसके फायदे में और इजाफा होता चला जाएगा। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कितनी श्रद्धा से कितने मिनट ये पाठ कर पाते हो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, संकट मोचन नाम तिहारो। मैं इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हुआ आपको थोड़ी सी इतनी बात बता दूं कल के बारे में। कल मैं बात करूंगा ग्रहों की उच्च नीच के बारे में, क्योंकि आम आदमी के समझ में ही नहीं आता कि पंडित जी बोल रहे हैं वो सारा ऊपर से निकल रहा है मेरे, वो बोल के पता नहीं क्या गोचर बोल रहे हैं, क्या बुद्ध सूर्य की युति बोल रहे हैं, एक आम आदमी के दूर दुराडे तक दिमाग में कुछ पड़ता ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली लेकर बैठे, नहीं तो एक खाली कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, जो बोलता जा रहा हूं साथ में नोट करते जाइए, उससे आपके रिजल्ट्स में लॉन्ग रन में बड़ी अच्छे रिजल्ट्स खुद कैलकुलेशन करने के काबिल बनते चले जाओगे। क्षमा प्रार्थी हूं कि आज का समय मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता कि आपको और विचार बता सकूं, लेकिन कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शनिदेव सदा अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय।